नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस के बारे में बताया था तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस क्या होता है? आप लोग नाम से याद रख सकते हैं, एंड्रोजेनेटिक, इसका दो कॉम्पोनेंट है, एंड्रोजन कॉम्पोनेंट और जेनेटिक कॉम्पोनेंट। ये दो कॉम्पोनेंट जब एक साथ काम करता है तो दोनों मिलकर हमारे बालों का सत्यानाश कर देता है। इसी को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। अभी तो रिसेंट रिसर्च में पता चल चुका है कि एक या दो नहीं, मल्टीपल जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हम हमारे मदर के फैमिली साइड से इनहेरिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मदर या फादर किसी के भी साइड से इनहेरिट हो सकता है। अभी एंड्रोजन के बारे में आते हैं। देखिए, इंटरनेट के ज़माने में आप सब तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि 5-अल्फा-रिडक्टेज बोल के एक एंजाइम होता है जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को उसके और शक्तिशाली रूप यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन या DHT में कन्वर्ट कर देता है। और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन या DHT ही मेन कल्प्रिट है जो हमारे एंड्रोजन सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स के ऊपर काम करते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। खराब कर देता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना हमारा एज बढ़ता है उतना ही हमारे हेयर फॉलिकल्स का जो एनाजन फेज है उसका ड्यूरेशन कम होते जाता है। ये डिफरेंट फेजेस के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आपको देखना है तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना शायद सभी की तरह आप लोगों को भी लगेगा कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इरिवर्सिबल है। देखिए, एनाजन फेज हमारे हेयर फॉलिकल्स का ग्रोइंग फेज होता है। इस फेज का ड्यूरेशन सालों तक चलता है और ये ड्यूरेशन कितना लंबा होगा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे एक हेयर स्ट्रैंड का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है। तो क्या होता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में DHT के प्रभाव से हमारे हेयर फॉलिकल्स का जो एनाजन फेज है उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्या होता है, मैक्सिमम जो हेयर का लेंथ हो सकता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसको मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर बोलते हैं। तो जब एक पुराना हेयर उसके फॉलिकल से गिर जाता है तो नया हेयर तैयार होके स्कैल्प से बाहर निकलने में कुछ टाइम लगता है। जब एनाजन फेज का ड्यूरेशन कम होते होते इतना कम हो जाता है कि हेयर फॉलिकल में तैयार होने के बाद स्कैल्प के बाहर निकलने से पहले ही उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। फॉलिकल जिंदा रहेगा, उसमें हेयर भी प्रोड्यूस होगा, पर वो हेयर स्कैल्प के बाहर कभी नहीं आएगा और ऐसे ही एलोपेशिया डेवलप करता है। तो क्योंकि ये हेयर फॉलिकल जिंदा रहता है तो थियोरिटिकली हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इरिवर्सिबल नहीं है, बल्कि रिवर्सिबल होना चाहिए। क्योंकि ये जो हेयर फॉलिकल जिंदा है उसके एनाजेन फेस को अगर मेडिकेशन या किसी और तरीके से हम बढ़ा पाए तो उसके अंदर जो हेयर स्ट्रैंड प्रोड्यूस होता है वो लेंथ में और बढ़ेगा और स्कैल्प के बाहर आएगा, तो उस फॉलिकल से फिर से हेयर स्ट्रैंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थियोरिटिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया रिवर्सिबल ही होना चाहिए। और ऐसा देखा भी गया है कि एक मिनिएचराइज्ड हेयर फॉलिकल को जब एक ऐसे चूहे के स्किन में ट्रांसप्लांट किया जाता है जिस चूहे का इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो वो मिनिएचराइज्ड हेयर से फिर हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो ऐसा कोई मेडिसिन या प्रोसीड्योर बना नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न हेयर लॉस में पैटर्न कैसा होता है और क्यों ऐसा पैटर्न होता है? पैटर्न तो मेनली दो है, एक है मेल पैटर्न और दूसरा है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। आदमियों में जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है जिसको हम हैमिल्टन पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इनिशियली हमारे जो फ्रंटल हेयर लाइन है उसके जो साइड्स है वो साइड से फ्रंटल हेयर लाइन पीछे चला जाता है, मतलब साइड से हेयर लॉस स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो पूरा फ्रंटल हेयर लाइन है वो पीछे रिसीड करने लगता है यानी पीछे चला जाता है, और उसके भी बाद हमारे जो वर्टेक्स है यानी सर के जो ऊपरी पोर्शन है वहाँ से हेयर लॉस स्टार्ट होता है। और एक स्टेज के बाद जब सीवियर एलोपेशिया हो जाता है तब हमारे ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया खाली हो जाता है, सिर्फ साइड्स में और पीछे के जो हेयर्स है वही सिर्फ बच जाते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में ऐसा हो सकता है कि साइड्स के जो हेयर है वो भी पूरी तरीके से चले जा सकते हैं और सिर्फ पीछे थोड़ा सा एक पैच ऑफ हेयर स्ट्रैंड रह सकता है। महिलाओं में मोस्ट कॉमनली जो पैटर्न देखा जाता है उसको लॉडविक पैटर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्रंटल हेयर लाइन होता है वो पीछे रिसीड नहीं करता है, मतलब वो पीछे नहीं चला जाता है। हेयर लॉस मेनली सर के ऊपर से और बीच के हिस्से से स्टार्ट होता है, इसीलिए इनिशियली हेयर लॉस का पता नहीं चलता है। स्पेशली जो महिलाएं साइड में पार्टिंग करते हैं
उनको बहुत देर में ये हेयर लॉस का पता चलता है, क्योंकि हेयर मेनली बीच के हिस्से से जाता है जो साइड पार्टिंग के वजह से केमोफ्लाज हो जाता है, तो अच्छी तरीके से दिखता नहीं है कि हेयर लॉस हो रहा है। जितना टाइम आगे जाता है और एज बढ़ता है, उतना ही महिलाओं के सर के ऊपर और बीच के हिस्से से हेयर ज़्यादा करके गिरने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब हेयर डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि स्कैल्प विजिबल होने लगता है। लेकिन फिर भी महिलाओं में पुरुषों की तरह ऐसा हेयर लॉस नहीं होता है कि जिसमें पूरा फ्रंटल एरिया या पूरा ऊपर का हिस्सा कम्प्लीटली हेयर लॉस हो जाता है। ये बहुत ही रेयर ओकेशंस में शायद देखा जा सकता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अब स्वाभाविक तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा पैटर्न क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारे स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज में जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, एक एक एरिया का हेयर फॉलिकल्स का एंड्रोजन सेंसिटिविटी अलग अलग होता है। जिस एरिया के हेयर फॉलिकल्स का एंड्रोजन सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है वहाँ हेयर लॉस जल्दी स्टार्ट होता है और वहाँ एलोपेशिया जल्दी से डेवलप करता है। जिस एरिया के हेयर फॉलिकल्स का एंड्रोजन सेंसिटिविटी कम होता है वहाँ हेयर कम जल्दी गिरता है और वहाँ एलोपेशिया उतना ही लेट आता है। जैसे कि आदमियों में साइड्स के और पीछे के जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली लेस एंड्रोजन सेंसिटिव होते हैं और वहाँ हेयर लॉस कंपैरेटिवली कम होता है। जो पीछे के हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वो सबसे कम एंड्रोजन सेंसिटिव होते हैं, और इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान पीछे से हेयर फॉलिकल्स को लेके सामने लगाया जाता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि वो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।